मुगल सल्तनत के भगोड़े दुश्मन को पनाह देने की जरूरत की है तो सोच लीजिए कि आपका हश्र क्या हो सकता है। हम मेवाड़ की हस्ती को इस हद तक मिटा कर रख देंगे कि अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए आपको मुगल शहंशाह के सामने सर झुकाकर घुटने टेक के ताउम्र मुगलिया सल्तनत की वफादारी के साथ खिदमत करने की बाअदब इजाजत मांगनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर आपके बचने की कोई सूरत निकल सकती है। बैरम खान, उदय सिंह, बैरम खान, आपको ये जानकर दुख होगा कि आपके आने से कुछ ही क्षण पहले हमने ग्वालियर नरेश और उनके पुत्र को राजनैतिक शरण देने से मना कर दिया था। और ये लोग यहां से बस जाने ही वाले थे। लीजिए, फिर तो कोई मसला ही नहीं रहा हम दोनों के दरमियान। हम बिना आपका वक्त जाया किए इन दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार करते हैं और निकलते हैं यहां से। रुक जाइए बैरम खान। अब क्या हुआ? अभी आपने हमारी पूरी बात सुनी ही कहां है। आपकी अपमानजनक बातें सुनने के बाद हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह, ग्वालियर नरेश और उनके पुत्र को पूरे सम्मान के साथ मेवाड़ का राजकीय मित्र घोषित करते हैं। इसलिए उनके प्रति किसी भी तरह का अपमान हम अपना अपमान समझेंगे। धन्यवाद राणा जी। और हम ये भूल जाएंगे बैरम खान कि आप अपने सैन्य अधिकारियों के साथ यहां पर युद्ध लड़ने नहीं अपितु राजकीय मंत्रणा के लिए आए। यदि आपने हमारे मित्र की ओर आंख उठाकर भी देखा तो रक्त की नदियां बह जाएंगी बैरम खान। बहुत बड़ी भूल की हमने कि हमने कुंवर प्रताप की बात नहीं मानी। लेकिन एक बात कहें बैरम खान, आज भी राणा उदय सिंह में अपनी भूल को स्वीकारने का साहस है और अपनी भूल को सुधारने का भी साहस है। देखिए राणा उदय सिंह, आप जाने और आपकी भूल जाने, पर हम किसी भी कीमत पर अपने इन कैदियों को यहां से लेकर ही जाएंगे, समझे आप? सिपाहियों,
हर महादेव। हर हर महादेव। एक बात याद रखना प्रताप, यह चित्तौड़ का किला राजपुताने की शान है ना, लेकिन बहुत जल्द चित्तौड़ के इस किले पर मुगलिया परचम लहराएगा। बैरम खान, खान जब तक प्रताप सिंह चित्तौड़ की दुर्ग पर खड़ा है, जितनी मुगल सेना लानी हो ले आने, सबको धूल चटा देना, सबको सब। अब जाओ जाओ, तुम्हारे लिए यहां कुछ नहीं बचा, हमने कहा जाओ। पर मुलाकात जल्द होगी, कभी के दिन बड़े कभी की रात। हर छोटी मोटी बात पे क्यों जय जयकार करना शोभा देता है क्या वीरों को? और जगमाल नहीं दाजीराज, नहीं भाई, जगमाल ठीक कह रहे, हमें भी आपके समक्ष अपनी जय जयकार अपनी प्रशंसा ठीक नहीं लगती, आज तक आपसे कह नहीं पाए। भाई जगमाल ने दर्पण दिखाने का साहस दिखाया है और वैसे भी अपनी प्रसन्नता में झूमने की अपेक्षा बैरम खान की चेतावनी पर ध्यान देते हुए संभावित मुगल संकट के लिए पूरे प्राणपंत से सैनिक तैयारियों में जुट जाना चाहिए। हाँ, हम भी तो यही कह रहे थे, दादा भाई तो है ही महान, सबको पता है, परंतु इस समय हमें अपने सामने खड़े संकट की तैयारी करनी चाहिए ना। कुंवर प्रताप जी, कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं आपके छोटे भाई, बहुत अच्छे कुंवर जगमाल, बहुत अच्छे। बिल्कुल दचे आज, बिल्कुल। छोटी माँ चलिए ना शीघ्र, हमें बाकी अतिथियों का भी स्वागत करना है। वो सब तो हो जाएगा जब दे, पहले आप ये बताइए कि कुंवर प्रताप आपको समय तो दे रहे हैं ना। हाँ छोटी माँ, वे हमें पर्याप्त समय दे रहे हैं। तो फिर तो शीघ्र ही हमें शुभ समाचार मिलेगा आप दोनों से, है ना? नहीं नहीं, अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम जानते थे हमें यही उत्तर मिलने वाला है आपसे, क्योंकि कुंवर प्रताप तो अपने राजकीय और शासकीय कार्य में व्यस्त रहते हैं, है ना? अगर राजकीय बीनी वाली आपकी भूमिका आप निभा चुकी हो तो हमारे साथ थोड़ा वक्त उद्यान में चलिए ना, बहुत सुंदर सा खरगोश देखा है हमने वहाँ। चलिए उदय सिंह जी, मेवाड़ के अतिथि सत्कार की बहुत प्रशंसा सुनी थी, आज उसे हम साक्षात देख रहे हैं। राम शाह जी, हमारा निवेदन है कि आप केवल देखे ही नहीं बल्कि इसका आनंद लें और अनुग्रहित करें। अवश्य, आराम कीजिए अपना भोजन।
हमें नहीं खाना, हमें भूख नहीं है। सब लोग देख रहे हैं गौर चकमा, खा लीजिए। हमने कहा ना हमें भूख नहीं है। भोजन तो अत्यंत ही स्वादिष्ट है, वाह वाह बहुत अच्छे। एक बात बताएं आपको रामशाह जी, ये सारा भोजन हमारी भीनड़ी के निरीक्षण में बना। यही तो सच्चा सौभाग्य है राणा जी। बस आशीर्वाद है एक लिंग जी, उसी के आशीर्वाद से तो ये पारिवारिक सुख मिलता है। अब अपने कुंवर प्रताप जी का एक उदाहरण ले लें राणा जी, यदि कुंवर प्रताप जैसा शूरवीर और निर्भीक हमारा पुत्र होता तो मुगल तो ग्वालियर की तरफ आंख उठाने का साहस नहीं करते। सारा संसार कहता है कि राजा राम महान थे, लेकिन हम कहते हैं कि महान तो राजा दशरथ थे जिनके राम जी जैसा पुत्र था। धन्य है आप राणा जी कि आपका कुंवर प्रताप जैसा शूरवीर पुत्र है, और कुंवर प्रताप में तो सारे लक्षण है जो एक चक्रवर्ती राजा के होने चाहिए। ग्वालियर नरेश, बस अब आप हमें लज्जित कर रहे हैं। वैसे कुंवर प्रताप आप इन्हीं को क्यों कह रहे हैं, हमारे दरबार में रावत जी से लेकर द्वारपाल तक सबका यही विचार है। अगर हमारे दरबारियों और हमारे सामंतों की चले तो आज ही कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर इन्हें राणा प्रताप सिंह बना दे। क्षमा चाहते हैं, पर हम तो वैसे ही कुंवर प्रताप को आपका उत्तराधिकारी बांधते हैं। रामशाह जी हमारे सिंहासन के उत्तराधिकारी कुंवर प्रताप होंगे, ये उतना ही स्पष्ट है कितना सूरज चांद और तारे। एक और बात आपसे कहना चाहेंगे, कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की शीघ्रता सबसे ज्यादा किसको है आप जानते हैं? कुंवर प्रताप की रानी मां। क्यों धीर भाई जी, ठीक कहा ना हमने? जी राणा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक के लिए नहीं रुका जाता। पत्नी के लिए समय नहीं है आपके दादा भाई के पास। जब से हम यहाँ पर आए हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे अतिरिक्त संसार की सारी बातें उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे हैं। माना कि वे कुंवर प्रताप है और बहुत उत्तरदायित्व है उनके कंधों पे, परंतु ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि अपनी नव विवाहिता के लिए वो समय ही ना निकाल पाए। जबकि विशेष बात तो ये है कि उनके ही दाजीराज ने उनसे ये बात कही। यदि ये बात है तो उनकी अलमारी में रखे सारे उपहार हमें ले ही लेने चाहिए। कौन सी अलमारी? वही जिसमें सबसे छुपा के न जाने कब से आपके लिए भांति भांति के उपहार एकत्रित कर रहे थे। क्या? नहीं नहीं, आप बस हमारा मन रखने के लिए बातें बना रही है ना। लीजिए, जब आपको हमारी बात पर विश्वास ही नहीं है फिर तो पक्का हमें वो सारे उपहार ले ही लेने चाहिए। आप लेकर जाएंगे हमें उस अलमारी के पास? लेकर क्या जाना है, यही तो है आपके सामने ये अलमारी। आप तो इस अलमारी को ऐसे देख रही है जैसे आपने पहले कभी देखी ही नहीं है। बताया नहीं कभी दादा भाई ने आपको? भाभी सा, आप ही खोल के देखिए ना, आपको स्वयं सब सच पता चल जाएगा। खोलिए ना। सच कहा था ना हमने, कितने प्यारे हैं ये सब। ये देखिए ये झुमके कितने सुंदर है, हम पर भी सुंदर लगेंगे, देखिए बहुत सुंदर है।
और ये पायल देखिए, ये भी हम पर सुंदर लगेंगे ना। मान लाइए ना, ये कंगन देखिए। भाभी साहब, ये सब आपका ही है। अच्छा, हम किसी और समय आके ये सब ले जाएंगे। आप हम पर आरोप लगा रही हैं। हृदयहीनता का, प्रेम भावनाएं, संवेदनाएं, ये सब कुछ याद ना रखने का, जबकि सच ये है कि हमने हर दिन हर पल आपके बारे में ही सोचा है। कितने उपहार एकत्रित किए आपके दादा भाई ने, इतना स्नेह, इतना। प्रताप, हमारा प्रेम तो आपके इस मौन प्रेम के आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ताला, चाबी, ताला, खजाना। जगमाल, आप लोगों ने कुंवर जगमाल को देखा? जानते हैं आप, कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, निर्णय से सहमत है। अगर हमें किसी को पनाह देनी तो हमें देनी चाहिए। आओ जीराज प्रताप की जय! आओ जीराज प्रताप की जय! अगर हमारे दरबारियों और हमारे सामंतों की चले तो आज ही कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर राणा प्रताप सिंह बना। कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की शीघ्रता सबसे ज्यादा किसको है आप जानते हैं? कुंवर प्रताप की रानी मां। बिल्कुल सही कहा आपने। अब कुंवर प्रताप के राज्य अभिषेक के लिए नहीं रुका जा रहा। इस तरह छिप छिप कर किसी की बातें नहीं सुनते। पूरी बात क्षमा मांगिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links below and enjoy watching the videos.